तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में वी लुकअप के बारे में। और वी लुकअप के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आज बात करेंगे मैच इंडेक्स एंड एच लुकअप के बारे में कि मैच इंडेक्स और एच लुकअप का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ रवि तोमर जी, और एक डेटा हम लेते हैं जो कि हमने कल की क्लास में जो डेटा लिया था उसी डेटा को हम यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा डेटा है उसकी जो यूनिक आईडी है, मैं इसी को कॉपी करके एक अलग सीट पर रखता हूँ। यूनिक आईडी अगर पहले कॉलम में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बीच में है तब क्या होगा? अब मुझे इस एसआईडी से मान नेम को लेना है, ठीक है? एसआईडी मेरे पास है और मुझे नेम को लुकअप करना है, तब क्या करेंगे? तो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वी लुकअप अगर हम लगाते हैं तो वी लुकअप तो हमेशा ये से आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए दो तीन मेथड है। देखिए, हमने आपको बताया था मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी नंबर को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है, उसका रो इंडेक्स नंबर बताता है। अब जो सिक्स बताया, अब सिक्स अब ध्यान रखिएगा, सिक्स जो बताया वो सिक्स नंबर रो नहीं बताया सर, काउंटिंग बताया। अगर मैं इसकी इसको मैं सिलेक्शन अगर मैं G2 से करूं तो अब 5 ही बताएगा, क्योंकि इसने काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 इस तरह से, समझे? तो ये हमारे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। इंडेक्स फॉर्मूले में पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट कर दीजिए, अब बताइए कि इसमें से कौन सा रो और कौन सा कॉलम चाहिए। तो हमने बोला कि 6 नंबर रो और हमने बोला कि 4th नंबर कॉलम, तो इसलिए 6 नंबर रो, अब यहां से यहां आया 6 नंबर रो पे और 4th नंबर रो पे गया और डेटा दे। तो वी लुक का ये जो इंडेक्स है इसको इससे कोई मतलब नहीं कि आईडी वाईडी आपकी क्या है, बस रो नंबर कॉलम नंबर दीजिए, उसी के भी आपसे डेटा आपको दे देता है। अब यहां पे बात आती है कि मुझे इसको वीलुकअप की तरह करना है, तो जो मैच का फॉर्मूला था जो कि रो इंडेक्स नंबर देता है जो कि मैच को चाहिए, उसी फॉर्मूले को हम इस मैच में इंडेक्स में डाल देते हैं। तो अब ये वीलुकअप की तरह वर्क किया, अब जो भी नंबर डालेंगे उसका नेम आपको रिटर्न कर देगा, समझे? क्लियर है? इंडेक्स मैच को जब कंबाइन करते हैं तो वी लुकअप की तरह आ जाता है, उसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जो यूनिक आईडी है वो स्टार्टिंग में है या बीच में या लास्ट में। क्लियर है रवि तोमर जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। बट इंडेक्स में पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हमारे पास इंडेक्स के जैसा ही फॉर्मूला है ऑफसेट का, जो हम स्टार्टिंग ऑफ द डेटा को सिलेक्ट करते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया A1 को, अब इसमें आता है रो नंबर, हमने रो नंबर दिया 7, कॉलम नंबर दिया 3, रिकॉर्ड आपके सामने। अब बोलोगे सर यहां तो 8 है और हमने इसमें वैल्यू का इसमें इंडेक्स में 4 दिया है, तो ऑफसेट फॉर्मूला इंडेक्स तरह ही काम करता है बट वो जीरो से काउंटिंग शुरू करता है। अगर मैंने इसमें 7 दिया तो इसने यहां लिया 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो 7 है 8 पे आया, समझे? और 0 1 2 3, यस सर। तो ये हुआ आपका। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करना है, हमें बस स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सिलेक्ट करना है और रो नंबर कॉलम देंगे तो वहां से वो काउंट करके आपको शो कर देता है। तो इसमें भी अगर हम मैच का फॉर्मूला मिक्स कर दे तो हमारा इंडेक्स और मैच दोनों वर्क करता है, लेकिन इसमें हमेशा एक माइनस करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ऑफसेट मैच
और मैच और इंडेक्स दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए? रवि जी? यस सर। लेकिन आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है 2019 तो इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं है। आपके एक्स लुकअप का फॉर्मूला, एक्स लुकअप फॉर्मूला इस सारे फॉर्मूला का निचोड़ है। एक एक्स लुकअप मैच इंडेक्स ऑफसेट आपके एच लुकअप सबका काम करता है, इफ एरर सबका काम करता है। तो एक्स लुकअप में हमने बोला लुकअप वैल्यू, अब इसको लुकअप कहां करना है तो इस कॉलम। ओके, रिजल्ट कौन सा देना है तो हमने बोला नेम का। अब पूछता है कि अगर नहीं मिला तो एरर आया तो यहां पे हमें नॉट फाउंड का देना है। मैच टाइप क्या है, एग्जैक्ट मैच है यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है ना। सर्च मोड वगैरह भी आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना ही। हो गया सर, आ गया तो इसको यूज कर सकते। यस सर, कोई डाउट इसमें? लेकिन सर ये बस 2019 में है ये वाला फॉर्मूला एक्स लुकअप, ऑफिस 365 है ना, लेटेस्ट एक्सेल है उसमें ही है सर। अब डेट ओके सर, अब ट्रांसपोज हो जाता है। हो गया ट्रांसपोज सर। अब मुझे मान लीजिए इसमें से नेम को चाहिए, किसको चाहिए? नेम को, नेम। तो अब प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए मैं 10 नंबर का चाहिए तो हम वी लुकअप नहीं लगा सकते क्योंकि वी लुकअप वर्टिकल होता है। तो यहां पे हम एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, एच लुकअप, और हम सिलेक्ट करेंगे अपना लुकअप वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, और डेटा वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कौन सा चाहिए तो हमने बोला 5, 0। और इसको हम जो है ऑफ इंडेक्स मैच और ऑफसेट मैच से भी कर सकते हैं। हमने इसको लिया और रो नंबर कितना है हमने बोला 5, और कॉलम नंबर के लिए हमने यहां पे मैच लगा दिया, मैच, क्योंकि मैच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है, ठीक है। और जब जहां पे मैच ऑफसेट इंडेक्स लग सकता है वहां पे हम ऑफसेट भी लगा सकते हैं कि ऑफसेट 4 और यहां पे हमने मैच, ऑफसेट और मैच को लिया और इसके अंदर लुकअप किया और इसमें -1 करना पड़ेगा। लेकिन आप लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं और इसमें भी एच लुकअप में भी प्रॉब्लम है कि आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए फर्स्ट रो आपका आईडी होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट रो आईडी नहीं है तो आप मैच या ऑफसेट मैच का इस्तेमाल करें या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स लुकअप को। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, हमने रिजल्ट को सिलेक्ट किया, ओके, और फिर हमने यहां पे यस सर रिटर्न एरर सिलेक्ट कर लिया। समझ में आ गई सर? ये थी हमारी मैच फॉर्मूला।